गाइस मैं अभी आ गया हूँ फरीदाबाद में और यहाँ पे ऑटो रेसिंग कस्टम है। तो यहाँ पे सारी गाड़ी ना मॉडिफिकेशन के लिए आती है और फिलहाल यहाँ पे देखो काफी सारी कार्स खड़ी है इधर और साथ में दो लौंडे आए हैं हमारे साथ। हाँ जी गुरुजी, क्या हाल है गुरुजी? तो ये है भाई, अरे यार करते हैं। और ये गैंगस्टर प्रवास प्रवास गैंगस्टर अरे। तो फिलहाल यहाँ पे किस लिए आया ये बता भाई? देखो गाड़िया देखने के लिए, ठीक है। हाँ भाई, मॉडिफाइड गाड़ियाँ यहाँ पे होती है, मतलब दिल्ली में मोस्टली जो राइड्स होती है उनकी गाड़ी यहीं पे मॉडिफाइड होती है। संडे राइड्स जो होते हैं ना, संडे राइड्स पे जो भी मतलब वीडियोस वगैरह लोग बनाते हैं उनकी गाड़ी यहाँ मॉडिफाइड होती है। प्लस यहाँ पे विंटेज कार है, 1975 की मर्सिडीज दिखाई। तो विंटेज कार आई हुई है, अंदर आ रखी है वो। तो अभी अंदर चलेंगे, प्रॉपर क्या सीन है? वो मॉडिफाई हो रही है भाई? वो मॉडिफाई हो रही है। प्रॉपर जब बनेगी ना तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक ब्लॉग भी बनाए, प्रॉपर रेडी होने हो रही है। तो अभी फिलहाल अंदर चलते हैं और यहाँ पे भी काफी सारी मतलब गाड़ी खड़ी है, अभी मैं दिखाता हूँ। फिलहाल देखो यहाँ पे एक बहुत गंदी सी हो रही है गाड़ी, पर ये काफी ज्यादा मॉडिफाइड हो रखी है। पीछे देखो पूरा ये काफी अच्छा मॉडिफाई हो रखा है। और ये है होंडा सिविक है और इसमें पता है एयर सस्पेंशन लगा हुआ है और उससे ना गाड़ी अप डाउन हो जाती है। तो आपने देखा होगा पोर्स वगैरह में होते हैं ना, जैसे गाड़ी ऊपर नीचे होती है वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो एयर सस्पेंशन भी लगा हुआ है उसपे और ये काफी अच्छी मॉडिफाइड हो रखी है। और गंदी काफी ज्यादा हो रखी है, देखो बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है। और ये देखो आगे से कितना ज़्यादा डाउन कर रखी है कार, काफ़ी बढ़िया मॉडिफाई करा रखी है और काफ़ी अच्छा खर्चा करा है, बट ये अभी ख़राब सी हो रखी है, पता नहीं क्या गंदा बंदा पड़ा है। टी आर उस साइड मेट्रो का काम चल रहा है अभी फिलहाल, और तो यहाँ सारी देखो गाड़ी गंदी हो रखी है इस वजह से। लेकिन जो ये कार है ना इसमें बहुत तगड़ा काम कराया हुआ है, पर लेकिन अभी ये डिसकंटिन्यू हो रखी है या कुछ हो रखा हो और ओनर ने यहाँ फेंकी हुई है, क्या पता और कुछ मॉडिफाई करने के लिए दिया हो। तो यहाँ पे भाई ये बता रहा है कौन सी कार है ये वाली, और ये ऑटो नेशन कस्टम की एक कार देखो गंदी पड़ी है बिल्कुल एकदम। काम होगा शायद। ये देखो आगे से पूरा उड़ा पड़ा है और शायद इसमें आगे कुछ काम वाम होगा, पर बनेगा पूरा नया। और फिलहाल अभी तो क्रूज इंडिया में बंद है, इंडिया में कंपनी बंद हो गई है, सैड वाली बात है। फिलहाल मैं अभी अंदर आ गया था और यहाँ पे काफी अच्छी कार खड़ी है और ये मैं बताता हूँ किनकी कार है। इनका जो एक फ्रेंड है उनकी गाड़ी है। और हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? और भैया यहाँ पे कुछ गाड़ी में काम कराने आए हो? क्या काम कराने आए? हमारी साइड की बॉडी किट बन रही है, गाड़ी की बॉडी किट बन रही है। और क्या जैसे बन रही है यहाँ पे लगेगी बॉडी किट? साइड लगेगी जैसे अपने स्प्लिटर्स होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बॉडी किट बनवा रहा हूँ मैं गाड़ी के। ओके यार, आपने गाड़ी तो काफी अच्छी मॉडिफाई कर रखी है बिल्कुल, और ये ग्राउंड लेवल से काफी ज्यादा नीचे कर रखी है। भाई देखो मतलब जगह ही बहुत कम है यार, मतलब काफी ज्यादा डाउन कर रखी है आपने, तो इससे दिक्कत वगैरह तो आती होगी यार। अगर चार पांच बंदे बैठ जाते हैं गाड़ी में, अच्छा अच्छा, तो लगती है नीचे। फायदा क्या होता है? हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी, हैंडलिंग काफी अच्छी हो जाती है, बट इसके नुकसान भी है अच्छे खासे, जैसे कि आप राइड कर रहे हैं और कोई बड्डा आता कुछ आता है तो बाउंसी राइड बहुत हो जाती है, कम्फर्ट चला जाता है। और ये इसको क्या कहते हैं वैसे? अच्छा अच्छा, बढ़ जाते हैं इससे लुक्स के लिए। अच्छा, और आपने लाइटों पे भी काम करा रखा है शायद? हाँ जी, आफ्टर मार्केट हेडलैम्प्स है। अच्छा अच्छा, काफी सही करा रखे हैं आपने यार, काम करा रखा है। और भैया का देखो हैंडल देखो, प्यारा लग रहा है ये, काफी सही लग रहा है यार, भैया बहुत सही काम कराया हुआ आपने। वैसे आपने अभी तक खर्चा कितना कर दिया होगा इस पे? यार अंदाजा नहीं, लग गया अच्छा खासा, तो लग गया अच्छा खासा लग गया है भैया। जिसमें एग्जॉस्ट का स्पीड पाइप है लाउडेस्ट विंडो इन इंडिया रन कर। अच्छा, एग्जॉस्ट पे भी काम कराया हुआ आप? चलो आपको अभी सुनाते हैं। चलो भैया अभी एग्जॉस्ट सुना रहे हैं। ओ भाई भाई बहुत लाउड है यार, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार बहुत तगड़ा है, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो भी ना सड़क पे निकाल लेंगे फिर देखेंगे पब्लिक के। फिलहाल यहाँ पे एक गाड़ी पे काम हो रहा है, कौन सी गाड़ी हुई? मर्सिडीज। कौन सी? ओल्ड मॉडल। ओल्ड मॉडल, यहाँ पे पूरा रिस्टोर हो रही है ये कार, देखो ये काफी ज्यादा मतलब देखो ये पूरा पुराना इंजन है, ये सारा पुराना इंजन है। और ये देखो काफी बॉडी होती है ना बहुत ज्यादा सॉलिड होती है आज की बॉडी के हिसाब से। इसकी स्टीयरिंग दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड है इसकी स्टीयरिंग, फिलहाल तो इंडिया में सारी राइट साइड होती है तो इसकी स्टीयरिंग लेफ्ट साइड को है। तो कैसा लगा तेरे को एक बार बता दे? बहुत लाउड था, मजा आ गया। तो ये भी एक बलिनो मॉडिफाई होने आई है, इसमें अभी काम चलेगा, पता नहीं गंदी हो रही है क्योंकि यार यहाँ पे बाहर जो है ना बहुत डस्ट उड़ती है, तो यहाँ पूरी कार सारी गंदी हो पड़ी है। इसको भी हल्का फुल्का सा मॉडिफाई करा हुआ है, पीछे का देखो ये देखो काफी बढ़िया ये मॉडिफाई हो रखा है बिल्कुल। और ये 2009 मॉडल है, काफी पुराना मॉडल है। तो ये भैया करा रहे हैं मॉडिफाई, ये चीज हो रही है मॉडिफाई। भैया ये वाली कौन सी कार है?
ये है मर्सिडीज E220 यार, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। क्या मॉडिफाई करा हुआ है इसको? यार एक्चुअली जिनकी गाड़ी है वो शूट्स के लिए देते हैं, वेब सीरीज एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा वेबसाइट वगैरह में और इसके अलॉयज देखो यार, कितने मस्त लग रहे हैं। E220 के अलॉयज डाल रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2018 मॉडल के अलॉयज हैं। अच्छा भैया को यार काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की नॉलेज है, बहुत ज़्यादा सब कुछ पता है। पूरी तो नहीं कह सकते बट यार बहुत अच्छी नॉलेज है। तो इसके अंदर देखते हैं इंटीरियर वगैरह। ये देखो यार ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, ये पुराना ही है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, आपको अगर इसमें और प्रीमियम देखना है तो वो 1996 खड़ी है। अच्छा उधर भी है? हाँ, वो ब्लू कलर में रिपेंट है। तो पहले मैं इस साइड से ये वाला मॉडल दिखाता हूँ। तो ये वाला मॉडल है काफ़ी ज़्यादा पुराना है और ये वेब सीरीज वगैरह के शूट में आता है। और इसके जो डोर्स है ना काफ़ी ज़्यादा हैवी है। आपके जो डोर्स आते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, ये देखो काफ़ी ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा यार। देखो ऐसे नॉर्मल बंद भी नहीं हो रहे, थोड़ा मेरे को प्रेशर मारना पड़ेगा तभी जैसे ये बंद होंगे, अभी तो ऐसे बंद ही नहीं हो रहा है ये देखो मेरे से। तो फिलहाल बता रहे थे भैया ये वाली कौन सी है? इसमें 220 है। अच्छा, ये 1996 वेरिएंट है, ये ब्लू कलर का है। तो ये भी काफ़ी, ये भी वेब सीरीज होगा। तो भैया बता रहे इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, इसका इंटीरियर थोड़ा प्रीमियम लगेगा आपको। वाओ भाई क्या सही बनाया हुआ है, प्रीमियम सा और काफ़ी सही इंटीरियर बनाया हुआ है। और ये कौन सा मॉडल है भैया? 1996 काफ़ी ज़्यादा पुरानी है यार, और इसको मेंटेन करना भी तो मुश्किल होता होगा। एक्चुअली ये गाड़ियाँ मेंटेन करने की मुश्किल है, इनके पार्ट्स नहीं मिलते सबसे बड़ी बात। इफ़ यू आर पार्ट्स तो पार्ट्स तो यार बहुत मतलब सोर्स होना चाहिए तभी कोई यार वो हो जाता है ईवे से ऑर्डर एंड ऑल दोस थिंग्स, सही से बूट में भी मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं बट हाँ। बना रखे इसमें भी देखो अलॉयज काफ़ी अच्छे से लगा रखे हैं, AMG ओरिजिनल अलॉयज हैं, तो काफ़ी सही बनाया हुआ है देखो। और लुक इसका भी यार काफ़ी अच्छा आ रहा है और पूरा मतलब ओरिजिनल लुक रखा है ना इसका। हाँ, ये है। वो काफी सही है। तो भाई अभी गाड़ी निकल रही है बाहर, आवाज कैसे आ रही है भाई? पटाखे फूट रहे पूरे। अभी तो फिलहाल अभी बाहर जा रहे हैं और अभी गाड़ी वगैरह का जो काम था भैया का हो गया है और अभी थोड़ी देर एडी मारेंगे भाई। आवाज है तो अभी देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है और टेस्ट करेंगे कितनी। भाई बहुत लाउड है भाई, बहुत ज्यादा लाउड है ये देखो। ओए ओ भाई क्या लाउड आवाज है भाई, खतरनाक है भाई, नेक्स्ट लेवल। ओ भाई क्या आवाज आ रही है भाई, ओए मजा आ गया बिल्कुल यार। कुछ है नहीं उसकी जो मैं क्लेम करूँ जाने को। ऐसे अपने फ्रेंड की एक पोलो है, DS है, उसने 240 मीटर टच करा बट वही है उसकी वीडियो है बट इसका मैं उसका बटन नहीं है। हाँ ये अभी ऑफ कर दिया भाई, देख लो एक जो स्कूटर मजा भाई कितना लाउड है। ओ भाई कौन सुन पड़ गए मेरे भाई कान बिल्कुल सुन पड़ गए।